हेलो एस्पिरेंट्स, सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स परस्यू कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। RAEO 2023 एग्जाम का नोटिफिकेशन इज आउट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नोटिफिकेशन में क्या है, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम यहाँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो RAEO यानी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। RAEO के एग्जाम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि RAEO एक क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है। सो बेसिकली RAEO वर्क्स अंडर SADO सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन वर्क्स, ट्रेनिंग वर्क्स, एग्जीक्यूशन ऑफ एनुअल प्लान्स, स्कीम्स एंड फील्ड विजिट्स। अब हम अगर देखें पर्क्स ऑफ द जॉब, तो पर्क्स ऑफ द जॉब में हम अगर 7th पे स्केल कमीशन से देखें तो 25,300 से 80,500 तक इसकी सैलरी रहती है। अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी को देखें तो इसके लिए ग्रेजुएशन में BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर होना ज़रूरी है। एज लिमिट इसकी 18 से 40 है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। नाउ वील मूव ऑन टू द नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट, सो दैट आपको कॉम्पिटिशन का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि 1852 टोटल पोस्ट्स हैं जिसके लिए ये वैकेंसी निकली है, और इसमें हम UREWS, SC, ST, OBC ये सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो 1852 सीट्स टोटल हैं। अब अगर हम आए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सो द पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, और इसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, लॉजिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो ये आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। तो इनके कुल अंक जो हैं 100 हैं, और अकेला जो ये संबंधित विषय हैं उसके 100 मार्क्स अलग से हैं, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 200 हो जाता है। अब अगर हम इसका डिटेल्ड सिलेबस देखें तो इसमें जनरल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी और एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एब्सॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन उसमें सब आ जाएगा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी आएगा और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन भी आएगा, और इसके सारे सब टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 500 इज़ फॉर UR यानी ओपन कैटेगरी, SC ST और PWD की वही है 250, और ये हमारी एप्लीकेशन फ़ी हो गई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस हमारी 17th of April को स्टार्ट हो जाएगी, और ये 1st May तक इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगी। 1st May इज़ द लास्ट डेट, 1st May 2023 इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। एग्ज़ाम डेट हमारी 15th of July 2023 है, तो ये हम ध्यान में रखें। सो इट्स ओनली 3 months लेफ्ट, सो यू बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज क्रैक तो कर सकते हैं। For more information about agriculture and allied exams and courses, please visit our website www.agrivisionforyou.com.